एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल पर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है। यहाँ पर ये सोपानी कृषि, अलग अलग सोपान में जो कृषि की जाती है। फिर प्रश्न आता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? कच्चा माल क्या है, कौन सा रॉ मटेरियल सीमेंट उद्योग को चलाने में काम में लिया जाता है? तो चूना पत्थर, इससे सीमेंट बनती है। तो सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? चार ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इनमें से सही जवाब देना है। अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको यहाँ पर आंसर शो कर रही हूँ। तो ये देखिए, कर्नाटक जो है इसका सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आता है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो इसका सही जवाब है लोहा। उसके बाद प्रश्न आता है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो सोना, चांदी, अभ्रक और टिन, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और सही जवाब है अभ्रक। उसके बाद प्रश्न आता है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से और नेपाल से। सही जवाब है भारत से। प्रश्न आता है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मथुरा, बरौनी, डिगबोई और गुवाहाटी। सही जवाब है डिगबोई। प्रश्न आता है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार ऑप्शन है। तो इसमें सही जवाब है तीसरा स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का। उसके बाद क्वेश्चन आता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? सही जवाब है राजस्थान में। आपको पता भी है राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान निर्यात किया जाता है। बात निर्यात की चल रही है, यानी एक्सपोर्ट कौन से बंदरगाह से किया जाता है लोहा? सही जवाब है विशाखापत्तनम से। तो विशाखापत्तनम से लोहे का निर्यात किया जाता है। प्रश्न आता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। यहाँ पर रेगुर नाम जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद देखो, प्रश्न आता है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो यहाँ पर सही जवाब है अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट से, जिप्सम से, प्लैटिनम से या काइनाइट से? तो सही जवाब है जिप्सम से बनाया जाता है। प्रश्न आता है, निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा किसका है? वह है मैग्नीज का। प्रश्न है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? सही जवाब है 125 करोड़ टन। प्रश्न है, अल्मीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है?
एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन डी जो है वह सही जवाब है। प्रश्न है, इनमें से कौन कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? उत्तर आता है मैग्नीज। प्रश्न है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? सही उत्तर है एड्रीन। प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? सही जवाब है 19.2 किलोमीटर तक।